हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम तिरुपति कूरियर को कैसे ट्रैक करेंगे। आप अगर कोई भी पार्सल भेजे हो या आपका कोई पार्सल रिसीव हो रहा है, तो आप अगर आपका कूरियर तिरुपति कूरियर से आ रहा है तो उसको कैसे ट्रैक करना है वही सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने ब्राउज़र को ओपन करना है। मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर ले रहा हूँ, आपके पास भी जो ब्राउज़र होगा उसको मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर ले रहा हूँ, आपके पास भी जो ब्राउज़र होगा उसको ओपन कर लेना और सर्च बार में टाइप करना है और लिखना है तिरुपति TIRUPATI तिरुपति कूरियर, तिरुपति कूरियर लिखना है COU। ये यहाँ पर आ रहा है, तिरुपति कूरियर लिख के सर्च मार देना और सबसे ऊपर में जाएगा लिखा हुआ श्री तिरुपति कूरियर, जिसमें कि आपको लोगो मिलेगा, ये वाला लोगो जिसमें मिलेगा जिस साइट में, उसी साइट पे क्लिक करना है। मेरे में सबसे ऊपर आ रहा है, आप में नीचे भी आ सकता है। ये सब साइट जितनी है ये सब फ्रॉड साइट है, इस सब पे क्लिक नहीं करना है। तो आपको जिस साइट पे ऐसा लोगो मिलेगा उसी साइट से आपको चेक करना है, तो उस साइट पे क्लिक करना है। मैं क्लिक कर दिया हूँ और इसके बाद इसमें सबसे ऊपर जो लिखा हुआ AWB नंबर, इसमें टाइप करना है और इसमें आपको तिरुपति नंबर लिखना है। तिरुपति नंबर लिखने के लिए आपको करना क्या है, आपके पास जो भी ट्रैकिंग नंबर मिला होगा वो नंबर को निकाल के इसमें डाल देना है। तो मैं भी अपना तिरुपति नंबर निकाल लेता हूँ, तिरुपति का ट्रैकिंग नंबर निकाल लेता हूँ। मैं कूरियर का काम करता हूँ तो इसलिए मेरे पास बहुत सारे कूरियर कंपनी का है, यहाँ पर मैं एक निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं ये ट्रैकिंग नंबर जो है, मैं पूरा ये ट्रैकिंग नंबर को मैं अपने तिरुपति कूरियर ट्रैकिंग वाले साइट पे डाल दिया हूँ और वहाँ पे ट्रैक करूँगा। तो मैं इस पर आ जाता हूँ, ये मेरा नंबर डाला हुआ है AWB नंबर, जहाँ पे जो है आपको ट्रैक करने के लिए सिंपल सा करना क्या है, आपको ये ट्रैक गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैं गो पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रैकिंग होके आ चुका है और सबसे नीचे जो लिखा हुआ है स्टेटस डिलीवर ऑन डेट 26/4/2023 बाय मुंबई अंधेरी ईस्ट। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 24 तारीख मई में और ये डिलीवर हो चुका है अप्रैल में ही 26 तारीख को, ये बता रहा है। और नीचे देखो, आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, ये हेल्पलाइन, अगर आपका कूरियर डिलीवर नहीं होता है तो ये नंबर लिखा हुआ है नीचे, आप इस पर बात कर सकते हो, अपनी परेशानी बता सकते हो और उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरा कूरियर को भैया जल्द से जल्द डिलीवर करवा दो आप। तो यहाँ पर ऊपर आपको नाम भी दिख जाएगा, कंसाइनी नेम, भेजने वाला का क्या नाम है, और कंसाइनर जिसको रिसीव होगा उसका क्या नाम है, भेजने वाला का नाम होता है कंसाइनर, तो इस पर कंसाइनर का नाम नहीं आता पर्ची पे, सिर्फ जो रिसीव करता है उसी का नाम होता है। अगर पैकेट पे आप लिख के भेजे थे तो वो उसमें पता हो जाता है, वैसे ऑनलाइन इस पर सब कुछ रहता है, जो डिलीवर करता है उसको पता होता है। ठीक है दोस्तों, आज ये छोटी सी जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से कैसे लगा हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हुए यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय महाराज।